गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैं थोड़ा सा एजुकेशन पार्ट का ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल एक कॉमन लैंग्वेज में, एकदम लेमेन लैंग्वेज में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक आम इंसान को भी समझ में आए और जो ऑप्टोमेट्री में नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बेसिक चीज़ समझ में आए। मैं कोई डेप्थ तक नहीं जा रहा, बेसिक चीज़ें जो आराम से समझ में आए। तो प्लीज़ मेरा एक ये जो है वीडियो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं हिंदी में बना के और ये वीडियो डाल पाऊँ। जो इस वीडियो का जो मेन मकसद है मेरा बताने का, वो है रिफ्रैक्टिव एरर। आपके अंदर किस किस प्रकार के चश्मे का नंबर पाया जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर मेनली तीन भागों में बांटा गया है। जो रिफ्रैक्टिव एरर है ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे दूर का साफ दिखाई नहीं देता है, मुझे बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई देता है। टीवी देखते तो बच्चा पास आके आ जाता है टीवी के अंदर, पेरेंट्स होते बच्चा जो बार बार पास आके देखा लेकिन उसको दूर से नहीं दिखाई देता। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को दूर से साफ नहीं दिखाई देता, उसके चश्मे के नंबर जाँच करके उसके जो नंबर आता है माइनस वाला वो उसको लगाया जाता है। तो ये मायोपिया। मायोपिया बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा एक कदम आगे बताता हूँ। ये जैसे हमारी आँख की संरचना है, ये आँख की संरचना है हमारी, इस आँख की संरचना में क्या होता है हमारा, ये जो किरण आती है बाहर से, जो रोशनी आती है वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है। रेटिना से पहले ये रेटिना हमारा ये मतलब पहले फोकस हो जाती है। अब हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि इन जो किरण है जो रेटिना से पहले फोकस होगी उसको रेटिना पे फोकस करना। तो हम यहाँ कॉनकेव लेंस लगाते हैं, माइनस वाला लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लेंस इनको किरणों को फैलाता है और ये रेटिना पे फोकस करते हैं। मुख्य रूप से दो कारण है, वैसे तो और भी कारण है, मुख्य रूप से दो कारण है जिसकी वजह से माइनस नंबर आता है आपका। हमारी आँख की जो लंबाई है एवरेज करीबन 24 mm के आसपास होती है, 24 mm। यदि इस आँख की लंबाई में एक एम एम का यदि अंतर आ जाता है, इस प्रकार मैंने किताबों में पढ़ा है, यदि इसमें एक एम एम का अंतर आता है, एक एम एम आँख छोटी होगी, एक एम एम आँख बड़ी होगी, तो इसमें प्लस माइनस तीन नंबर तक का एरर आ जाता है, समझ गए। जैसे मान लो कि 24 से 25 mm हो गई, 1 mm बढ़ गई, तो इसमें माइनस तीन नंबर आ जाएगा। और ये 24 यदि 23 हो गई, आँख छोटी हो गई, तो इसमें प्लस तीन नंबर आ जाएगा। दूसरा कारण, जो हमारा काली पुतली के ऊपर एक सफ़ेद पुतली होती है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, हिंदी में स्वच्छ पटल बोलते हैं, यदि उसके कर्वेचर में उसकी बनावट में यदि 1 mm का अंतर आता है, यदि 1 mm का अंतर आता है तो आँख में प्लस माइनस 6 diopter का अंतर आ जाता है। तो ये मायोपिया का मुख्य कारण है, तो जिसमें बच्चों को दूर पर कम दिखाई देते हैं, हाँ, चश्मे की जांच करके उसको माइनस जो नंबर जो उसके लिए परफेक्ट है वो करके हम उसको दे दें ताकि दूर में परफेक्ट देख पाए। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है मायोपिया के बाद, दूसरा रिफ्रैक्टिव एरर होता है वो होता है हाइपरोपिया, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। हाइपरोपिया को हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। मुख्यतः इसके अंदर पास का साफ नहीं दिखाई देता, इसके अंदर पास का साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें, जिस बच्चे के थोड़ा सा नंबर प्लस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसको दूर में भी साफ नहीं दिखाई देता है, पास में ढंग से साफ दिखाई देता, दोनों में उसको जोर पड़ता है। फिर कई बार वो आपकी मसल्स की ताकत लगा जैसे मतलब अकोमोडेट करके दूर का भी काम चला लेता है और पास का भी काम चला लेता है। लेकिन अच्छे से अस्पताल में आप जाओगे तो हाइपरमेट्रोपिया को पहले दवाई डाल के अच्छे से चेक करके उसको दोबारा एक बार दोबारा पोस्ट मेडिटल टेस्ट बुला के
अलग अलग मेथड तरीके से उसको नंबर प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये नंबर बड़ा सेंसिटिव नंबर होता है, कई बार छोटे बच्चों में कई बार ये अवॉइड भी किया जाता है कि यदि बच्चे के छोटे कम नंबर तक उसको अवॉइड भी करते हैं। तो सब पेरेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार नंबर लगाए या नहीं लगाए, तो थोड़ा सा ट्रिकी नंबर होता है। बट पेशेंट यदि बच्चा सिम्प्टोमेटिक है, सर दर्द क्या है, आँखों में दर्द करें, तो मैं देता है। ये एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसके अंदर जो आँख के अंदर जो रोशनी बनती है वो जाके क्या होती है, रेटिना के पीछे, ये पर्दे के पीछे जाके फोकस होती है। आप देख रहे हैं ये रेटिना के जाके पीछे फोकस होगी। तो हम क्या करते हैं फिर इसमें, हम लगाते हैं प्लस वाला लेंस। कैसा लेंस लगाते हैं? प्लस कॉन्वेक्स लेंस, प्लस का लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की क्या आदत होती है, वो किरणों को इकट्ठा करता है। तो ये जाके ये पीछे से लेंस को यहाँ आगे ले आएगा, प्लस वाला लेंस। ठीक है, प्लस वाला लेंस ऐसे होता है, ये वाला प्लस वाला लेंस। ठीक है, ये किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और ये यहाँ से उठा के पीछे से उठा के इसको यहाँ पे ला देगा और हमें साफ दिखने लग जाएगा। तो दूसरा वाला अब हो गया आपका हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। मैं आपको बेसिक डिटेल बता रहा हूँ। उसके अगला जो तीसरा वाला जो होता है वो होता है आपका एस्टिगमेटिज्म। हम वैसे कई बार नॉर्मल टर्म में हम सुनते हैं कि आपके सिलिंड्रिकल नंबर है, रिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा इसमें से नंबर निकाल के इस एस्टिमेटिज्म को भी हम करेक्ट करते हैं और पेशेंट को साफ देखते हैं। तो ये मेरा पहला बेसिक वीडियो है। अगले वाले वीडियो में मैं एक एक टॉपिक को डिटेल से लेके डिटेल से आपको एक चीज आगे बताऊंगा, स्टूडेंट्स के लिए भी, एक कॉमन आदमी के लिए भी, कि हम आगे कैसे कैसे यूज करें। थैंक यू।